एडेप्टेशन तो पूरा एडेप्टेशन ही है, मतलब इट्स नॉट कम्प्लीट, उसका पूरा का पूरा वैसे नहीं लिया है, पर क्या है फैमिली वैल्यू जो होती है वो हमारे यहाँ इतनी मतलब रखती है, जो मैंने जब अमेरिकन सीरियल देखा तो मुझे थोड़ा सा अचंभव हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बहुत फैमिली वैल्यू, मतलब नाना नानी दादा दादी ये सब होता नहीं है ज़्यादा, पर उस वक्त भी वो कैरेक्टर्स इतनी सही लग रही थी, पर हमने उसी वक्त मुझे लगा था यार ये इंडिया में होना चाहिए, ये हमारा कल्चर है, तो यहाँ पे करते वक्त तो इतना आसान लगा कि लगा ही नहीं कि हम अमेरिकन अडेप्टेशन कर रहे हैं। अडेप्टेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके सारे जर्म्स लिए अमेरिकन लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरा सेटअप किया, उन्होंने हमारी वर्कशॉप लिए, उन्होंने पूरे सेटिंग का सेटअप किया है, हमारे कॉस्ट्यूम्स हमारे मैनरिज्म सब उन्होंने तय किए हुए हैं, तो उस हिसाब से अडेप्टेशन है, पर वैल्यूज़ इतनी इंडियन है कि बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक तो हम लोग पाँचों कैरेक्टर जो हैं हम लोग सबके सब सही में थिएटर वाले हैं, तो एक तो ये सीरियल हम थिएटर जैसे शूट करते हैं, मतलब 10-10 मिनट का सीन पूरा इकट्ठा शूट करते हैं, तो वैसा कभी हुआ नहीं है आज तक, नहीं तो फिर कंटिन्यूटी नहीं मिलती इमोशंस की, और हम लोग इतने घुल मिल गए हैं कि अब मुझे बहुत डर लगता है हम सबको कि ख़त्म होने के बाद हम करेंगे क्या, इतनी याद आएगी हम दोनों सबको एक दूसरे की कि हम लोग दोस्त बन गए सबके सब, एक फैमिली बन गए, इकट्ठा खाना खाते हैं, एक दूसरे का डब्बा खाते हैं, मजाक करते हैं, किसी को ईगो नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपको बड़े रोल मिला मुझे छोटा रोल कुछ भी नहीं है, एक आधे एपिसोड में मुझे दो लाइनें होती है, एक आधे एपिसोड में मैं हूँ ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्यों मिला मुझे क्यों नहीं मिला, कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे घर में होता है वैसे ही है। कल ऑन एयर हो जाएगा सीरियल, तो कितना एक्साइटमेंट है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? बहुत एक्साइटमेंट है, 31 अगस्त आ गया है, हमारी सीरियल ऑन होने वाली है मंडे से सैटरडे 10 बजे स्टार प्लस पे, ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और आप लोगों को पसंद आएगी। जब मैं पहली बार जब शूट पे आई थी तब तो मैं बहुत एक्साइटमेंट थी कि क्या होने वाला है, मैं पहली बार हाईलाइट होने वाली हूँ, तो उसके बाद जब ऐसे ऐसे करते करते बहुत दिनों तक मैं करती रही, तब तक मुझको उसकी आदत पड़ गई है, इसलिए आज मैं एकदम करती हूँ। अरे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हम लोगों ने 8 महीने मेहनत की है, हम बहुत प्योरिस्ट हैं अपने आप में, हम थिएटर एक्टर्स हैं जितने भी एक्टर्स हैं इस शो में, तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है एंड आई थिंक वी आर ऑन अ वेरी गुड विकेट, क्योंकि क्रिएटिव टीम ने बहुत मेहनत की है, डायरेक्टर्स ने इतनी मेहनत की है, प्रोड्यूसर्स ने इतनी मेहनत की है, और जो भी मैंने एपिसोड देखे हैं जो भी टीम ने देखे हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि वी आर देयर एंड वी आर देयर टू मेक पीपल लाफ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन उन सारी मुश्किलों को उन सारी चीज़ों को आप भूल जाइए, ज़िंदगी को महसूस कीजिए दिन में और रात के 10 बजे बस फटाफट ऑन कर दीजिए स्टार प्लस पे ये शो, क्योंकि जीवन मान लिया बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उस पर हम हंसें थोड़ा सा उसको सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ देखें और अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ देखें तो ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है। तो सुमित संभाल लेगा आपके जो है टीवी सेट्स पे आ रहा है कल 10 बजे से, तो बस देखना शुरू कर दीजिए। फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।